जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के लिए मैथ्स का पार्ट करने वाले हैं जो कि सेट 4 का है। ठीक है, किसका है? सेट 4 का है। बाकी सभी चीजें हो गई है तो मैथ्स का पार्ट करेंगे। और मैथ्स के पार्ट करने से पहले आप लोग से कुछ बातें कर लेते हैं। आप लोग के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ठीक है, जैसे कि कितने पार्ट्स आएंगे, क्या आएंगे। तो मैं आपको 2 दिन का मौका दे रहा हूँ, ठीक है, आज से 2 दिन का मौका दे रहा हूँ, 2 डेज। आप लोग जो है भर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई भी शक हो, सारा शक कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें स्पेशल आपके उन सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, उस क्वेश्चन का उत्तर मैं एक वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग संतुष्ट हों और सभी कुछ जान सकें, ठीक है। तो आज से मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं और मंडे को मैं चाहूंगा कि एक वीडियो आ जाए जिसमें कि आपके सारे प्रश्न कवर हो जाए, ठीक है। और यदि आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो नंबर तो वही है, लेकिन व्हाट्सएप की जगह अब टेलीग्राम एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो टेलीग्राम का प्रयोग किया जाता है, नंबर क्या है? नंबर सेम है, 7979946092। नंबर वही है, बाकी एप्लीकेशन चेंज हो गया है। व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप से बेहतर ही है ये। इसमें यदि मैं एक बार पीडीएफ आपको भेज दूंगा तो वो डिलीट भी नहीं होगा, आप जब चाहो तब डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न पे आते हैं, और प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे हैं इस सेट के। अब जैसे 11 में दिया गया है कि 2 संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनके लॉसॉ के अन्य 2 गुणनखंड 13 एवं 14 है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड फैक्टर ऑफ हिज एलसीएम आर 13 एंड 14, ठीक है। देयर विल बी लार्जर नंबर ऑफ देम। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, जैसे कि आप जानते हैं एचसीएफ आपको दे दिया जो कि 23 है, ठीक है, और 2 फैक्टर एलसीएम का दिया आपको 13 और 14। अब एचसीएफ जो है वो कॉमन होगा एलसीएम में भी, तो 23 हो गया, ठीक है। अब आपके पास एलसीएम ये आ चुका है, ये पूरा एलसीएम होगा, बस बच्चे को इतना ही समझना है, प्रश्न सॉल्व हो गया। अब कह रहा है कि 2 संख्या से मिलकर बना है, तो 2 संख्या से मिलकर बना है तो आइदर इन दोनों को पेयर बनाएंगे या इन दोनों को पेयर बनाएंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों के लिए या फिर 13 और 23 को ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कह रहा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या तभी होगी ना जब बड़ी बड़ी डिजिट को हम गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी 23 है और एक और बड़ी डिजिट ले लीजिए तो वो आपका 14 है, ठीक है। तो 23 × 14 कीजिए, कितना हो जाता है? यह आपका 322 हो जाता है, और 322 आपको कहाँ दिया गया है? डी में दिया गया है, तो 11 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। A person took a loan from bank at 12% annual rate of simple interest. After 3 years, he returned 5400 as interest only for that time period. What was the principal amount taken as loan? एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात वह 5400 रुपये उस अवधि के लिए ब्याज के रूप में लौट आता है। तो मूल राशि क्या है? SI के लिए आप क्या पढ़े हैं? P × T × R/100, ठीक है। एस आई इक्वल्स टू क्या होता है? P × T × R/100। अब देखिए यहाँ पर SI आपको दिया गया है 5400 रुपये, ठीक है, 5400 रुपये इक्वल्स टू मूलधन निकालना है। समय अवधि कितना है? तो समय अवधि आपके 3 वर्ष ना, देखिए 3 वर्ष के पश्चात, तो टाइम 3 हो गया, और रेट कितना हो गया? 12% ना, 12/100, ठीक है। चलिए प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, बताइए। अब देखिए यदि हम 3 से काटते हैं तो 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, वेरी गुड। अब देखिए यदि हम 6 से काटे तो 6 × 2 = 6, 3 × 3 = 3, ठीक है। अब फिर एक बार काट दो तो यह 150 × 3 = 150। तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P इक्वल्स टू आ गया 150 × 100 इक्वल्स टू 15,000, 15,000 रुपये निकल कर चला आया, जो कि आपके डी में दिया गया है ना। तो 12 का डी उत्तर हो गया कि उस व्यक्ति ने 15,000 रुपये बैंक से लिए थे, ठीक है। प्रश्न सॉल्व आपका, आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आपके दो मानक दिए गए हैं, इन मानकों का प्रयोग करना है और प्रश्न हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, हम इस वाले मानक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 5, 7, 4 और 6 ये हमने लिया और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 1 और ये देखिए 4, 4, 8। ठीक है, 8, 0 आगे और ये पूरे के पूरे अंडर रूट हो गए। अब इसको अंडर रूट से यदि हम निकालते हैं तो क्या इस रूप में आ जाएगा, 5, 7, 4, 6 बटे अंडर रूट 1, इस रूप में आ गया। अब बताइए इसका क्या दिया गया है, इसका वैल्यू है 75.8 और बटे में ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में टूटा, ये लीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब आप प्रश्न सॉल्व कर लोगे, बताओ क्या हो जाएगा, ये आपका 75, 1, 2 ठीक है, और ये आपका 8 आ गया। ठीक है, अब आपको ढूंढना है ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट देखिए 7575 वाला ये है 758, कोई बात नहीं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है और दो डेसिमल के बाद 2 जीरो, बहुत बढ़िया, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि 8 के बाद 0 है तो डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये जाने दीजिए। अब आप इसको पकड़िए 7580, 7580 बिल्कुल मैच कर रहा है, ओके, तो 13 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े 14 देखिए, यदि 3x + 3 + 7 = 250 हो तो x की वैल्यू निकालनी है, x क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, ये देखिए 3x + 3 + 7 = 250 दिया गया है, तो 3x + 3 = 250 -7, इसको क्या किए इस तरफ ले आए, और जब ये सॉल्व हो गया तो क्या हो जाएगा, 3x + 3 = 243। ठीक है, और जब यह 243 आ गया तो इसको तोड़ो, तब 3 के फॉर्मेट में तोड़ोगे तो 3x + 3 = 3b^5 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों का बेस सेम, तो दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा, तो x + 3 = 5। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, 5 - 3 = 2 आपका उत्तर निकल कर चला आएगा। ये सब चीजें मैं पढ़ा रखा हूँ CISF ट्रीटमेंट के मैथ्स के क्लासेस में, बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। जिसको ये सब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा तो वो उन वीडियोस को देखे, बहुत ही अच्छे और उम्दे प्रश्न उसमें हैं और सिमिलर स्टेप के प्रश्न हैं। ठीक है, और मैंने CISF ट्रीटमेंट के वीडियो सोल्यूशन भी कर दिए हैं मैथ्स के, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 14 का उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देखिए 15 दिया गया है, और सॉलिडर वाज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ, द सॉलिडर वॉक्स 21 मीटर इन अ मिनट एंड थीफ वॉक्स 6 मीटर इन अ मिनट। देखिए बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न, यहाँ कह रहा है कि एक सिपाही जो है वह चोर से 114 मीटर पीछे है। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर चलता है और चोर 15 मीटर चलता है, तो कितने समय में चोर पकड़ लेगा। देखिए इतने सारे डाटा पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तो इसको उठाओ दोनों को, इसमें से क्या करो, सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर चलता है और चोर 15, तो 1 मिनट में सिपाही कितना ज्यादा चला, 6 मीटर ना, 6 मीटर/मिनट ज्यादा चला। ठीक है, यहीं से प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी, दूरी 114 मीटर है ना, 114 मीटर पीछे है, 114 मीटर और बटे या चाल हो गया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकल गया, 6 मीटर/मिनट के हिसाब से दौड़ रहा है, तो इसको 6 से भाग दे दो और यह 19 टाइम्स में अर्थात 19 बार में पुनर्निवाई हो जाएगा, अर्थात 19 मिनट में जो है सिपाही चोर को पकड़ लेगा। जो गेम आपको खेलना है रियल लाइफ में वो यहाँ पर पूछ दिया गया, तो उत्तर क्या हो गया, 15 का ए हो जाएगा। ठीक है, 19 मिनट्स, वेरी गुड, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़े, देखिए 16 आपको दिया गया है,
टू बाई थ्री, यदि टू बाई थ्री को हम सॉल्व करें तो टू बाई थ्री इक्वल्स टू 0.667, वेरी गुड। 7/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.166 हो जाएगा, ठीक है। और 5/7, 5/7 इक्वल्स टू 0.714, ठीक है, 0 पॉइंट है। एक मिनट ये देखिए, आगे बढ़िए, 3/5 दिया गया है, 3/5 इक्वल्स टू 0.6। अब क्या पूछा आपसे कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, देख लीजिए सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बताइए। तो 0.6 जो है यह सबसे छोटा है, तो 3/5 इज स्मॉलर देन एवरीवन, उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है। 16वां सॉल्व, चलिए आगे बढ़े। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ स्टोर पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो, ठीक है। सीआरपीएफ सर्च मारोगे सारी पीडीएफ खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉन्टेंट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है, और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें, ठीक है। और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए, वो भी आपके डले पड़े हैं, ठीक है। हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है। अब देखिए 17वां कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 9 टाइम्स द रेशियो ऑफ बी टू ए, देन ए बाय बी कैन बी। यदि ए से बी का अनुपात बी से ए के अनुपात का 9 गुना है, तब ए बटे बी हो सकता है। बहुत ही आसान है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो प्रश्न में कहता है कि ए से बी का अनुपात अर्थात ए बटे बी इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ बी बटे ए, ठीक है। अब ए को एक साइड ले आओ, बी को एक साइड ले आओ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यदि ए इधर आ गया तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और ये बी इस तरफ आ गया 9b². अब कर दो कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, टेकिंग रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी आ गया, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, यदि बी को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ए बाय बी इक्वल्स टू 3 आपका निकल कर चला आता है। कहां दिया गया, देखिए बी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 18 आपको दिया गया है, A and B can do a work in 18 days. B and C can do the same work in 24 days. A and C can do a work in 36 days. In how many days can they all do the work together? यदि A और B किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, B और C उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, A और C उसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, तो सब मिलकर वह कार्य कितने दिन में फिनिश कर देंगे। देखिए मैंने कई बार ऐसे प्रश्न बता रखे हैं समय और काम की वीडियोस में, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल लॉजिक लगेगा कि ए और बी यदि साथ काम करते हैं तो उनके एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/18। सिमिलर बी और सी साथ काम किए तो उनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/24। और ए और सी एक साथ काम किए तो उनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/36। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, सारे इक्वेशन को जोड़ दो। ये जो तीन इक्वेशन आपके आए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों को जोड़ दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर देखना आप, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अब ये हो गया 2b
टू ए टू सी, अर्थात टू कॉमन कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 72, और ये आपका 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 9 बाय 72 इक्वल्स टू 1 बाय 8, ठीक है, अर्थात 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं 1 बाय 8 का। तो a प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे, इसको डबल कर दो, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ यदि कार्य करते हैं तो 1 बाय 8 इंटू टू इक्वल्स टू 1 बाय 16 काम। तो पूरा एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो 16 दिन का समय लगेगा, जो हर में आता है काम का पार्ट उतना दिन हो जाता है, ठीक है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। देखिए प्रश्न कितना आसानी सॉल्व हो गया, 16 दिन इसका उत्तर आएगा, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 19 आपको दिया गया है, विच अमाउंट विल बिकम्स रुपीज 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड रुपीज 676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। विथ कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाए। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पर इंटरेस्ट निकल रहा है ना, एक साल का इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा बताइए, 676 माइनस 650 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26 रुपए निकल के चला आएगा। तो रेट निकाल लो भैया, रेट क्या हो जाएगा, 26 बटे 650, क्योंकि हमने इस पे शुरू किया है ना, चलिए 650 इंटू 100, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, ये हो गया 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, रेट भी आपके पास निकल के आ गया, ठीक है, एक साल का इंटरेस्ट भी आपके पास निकल के आ गया। अब क्या निकालना है आपको, मूलधन ना, तो मूलधन कैसे निकलेगा, पी इक्वल्स टू ए बाय 1 प्लस आर बाय 100 टू डी पावर टी, यही होता है ना, तो ये हो गया आपका 650 बटे 1 प्लस आर कितना निकला 4 ना बटे 100 और 2 डी पावर टाइम कितना, एक साल, एक, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया 650 बटे, ये हो जाएगा वाई में 100 और ये हो जाएगा 104, ठीक है, 4 से काटो 25 टाइम में कट गया, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, अर्थात कितना हो जाएगा 650 इंटू 25 बाय 26, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, फिर काट दो 25 टाइम्स में, अर्थात 25 into 25 equals to 625 रुपीज निकल कर चला आया। कितनी धनराशि ली गई थी, 625, जो कि सी में दिया गया है, तो 19 का सी उत्तर हो गया, ठीक है, देख लिया आपने, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया, आगे बढ़े। 20 दिया गया है, ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 33% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ही has obtained 25% of the total marks and failed by 40 marks. What is the total number of marks? एक विद्यार्थी जो है वह पास होने के लिए कुल 33% अंक लाएगा, लेकिन 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो प्राप्तांक कितनी थी ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चलते हैं, यदि x का 33% अर्थात 33/100 जो है वह कितने के बराबर हो जाएगा, यहां पर x का 25% लाया 25/100 और प्लस 40 अंक, क्योंकि इतने से फेल हो गया है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, यदि यहां पर 1/100 कॉमन कर ले, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पर 33x माइनस 25x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 40 रह जाएगा, ठीक है, चलिए प्रश्न आसानी से सॉल्व कीजिए, ये आपका देखिए क्या हो जाएगा 33x माइनस 25x इक्वल्स टू 8x हो गया, और यदि इस 100 को उठाकर इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 100, अब देखिए 8 5 जा, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 500 निकल के आ गया ना, चलिए सॉल्व हो गया, उत्तर आपका 20 का सी हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीकों से प्रश्न सॉल्व, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, है ना, चलिए। अगला 21 दिया गया है, जो कि आपके
बीजगणित या फॉर्मूले पे आधारित है। क्या आपको फॉर्मूला याद है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो एक बार मैं लिख देता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। देखिए इसी पे ये सारा दिया गया है। कैसे दिया गया मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप देखना, ये देखिए एक दो तीन, अर्थात ए क्यू हो गया देखिए 2.75 का होल क्यू, ए क्यू माइनस ये देखना 2.25 बी क्यू, बटे में देखना क्या दिया गया है, बटे में आप देख लो ये आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए बी और बी स्क्वायर, ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, ये आपका 2.75 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर, देखिए इसमें आ गया। अब इस बीजगणितीय फॉर्मूले को बस तोड़ना है, प्रश्न आपका सॉल्व है। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो क्या ये इस फॉर्म में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपका 2.75 माइनस 2.25, ठीक है, और ये आपका आ गया सिमिलर ये वाला 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25, ठीक है, प्लस 2.25 का स्क्वायर, और बट्टे में भी तो यही चलाएगा, ये देखिए 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25, बस इसको तो आप बीजगणित के फॉर्मूले पर डालकर सॉल्व कर देते हैं, इतने लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए इससे ये पूर्णतया कट गया, इसका कांड यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जब इसका कांड यहीं पर खत्म हो गया तो बचा क्या, आपके पास तो यही बचा ना 2.75 माइनस 2.25, अब इसको घटा दो तो 0.5 बचता है, और 0.5 आपके कहां दिया गया है, बी में दिया गया है। प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, यहां पर उत्तर आपका बी निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले को बीजगणित पे डालकर सॉल्व करना होता है, जिसका आप आगे से ध्यान रखेंगे, और यहां मैं समझाने के लिए इतना लिख दिया हूं, मुझे तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मैं तो पहले ही समझ गया था बस इसका ये, ठीक है, ये यहां पर आएगा और प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 दिया गया है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी 15 डेज, सी 20 डेज, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज आफ्टर विच बी हैज रिप्लेस ए इन हाउ मेनी डेज डिड द वर्क कंप्लीट। क्या होता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए सी मिलकर काम कर रहे थे, 2 दिन काम किए, फिर एक स्थान पर बी आ गया काम करने को, तो अब वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/15, और सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/20, ठीक है, वेरी गुड। ए और सी एक साथ काम करते हैं, ए और सी साथ काम करना शुरू किए तो 1/10 प्लस 1/20 क्या हो जाएगा, ये आपका 20, ये आपका 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/20, ठीक है, अर्थात ए और सी एक दिन में 3/20 काम करते हैं। कितने दिन ये साथ काम किए, 2 दिन का इनका साथ रहा, तो 2 दिन का ए प्लस सी का काम कितना हो जाएगा 3/20 इंटू 2, ये लीजिए 10, अर्थात 3/10 काम इन्होंने 2 दिन में किया, ठीक है। तो अब कितना काम बचा रह जाएगा, तो एक काम में से ये 3/10 काम कर दिए तो 7/10 काम बचा रह गया, ठीक है, जो कि बी और सी को करना है। तो बी और सी की क्या कैपेसिटी निकाल लेते हैं, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में 1/15 और सी एक दिन में 1/20 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका 60, ये आपका 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7/60, ये इनकी कैपेसिटी है, ये एक दिन में काम करते हैं, अर्थात 7/60 काम जो है बी प्लस सी एक दिन में करते हैं, कितने दिन में, एक दिन में करते हैं।
तो अब उनसे क्या करवाना है, एक पार्ट करवाना है काम का, ठीक है, दोनों से। तो एक पार्ट बी और सी जो है वह एक इंटू 60/7 दिन में करेंगे, अर्थात 60/7 दिन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उनसे 7/10 काम करवाना है। तो 7/10 काम जो बचा रह गया बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60/7 इंटू 7/10, इससे ये कट गया, इससे ये 6 टाइम में कट गया, अर्थात जो काम बचा हुआ है ना वह 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ढूंढ लीजिए, ऑप्शन है 6 दिन का, बिल्कुल है सी में, तो 22 का उत्तर सी हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 23rd, बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न, और यहां पर बस ब्रेन लगाना है। देखिए आप जानते हो ना, यदि कोई संख्या है, चलिए मैं लिख देता हूं 2:3/5, तो क्या इसको हम 2+3/5 लिख सकते हैं, बात तो बराबर होगा ना, चीजें हुई होगी, तो वही चीज हमें यहां पर करना है। देखिए ये पूरा टर्म जो है 7 से मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करो कि यहां पर इसको पहले तो तोड़ो, तो ये हो गया 999+999/1000 × 7। आप जानते हो 999 × 7 = क्या होता है, यह 6993 के बराबर होता है। तो क्या करो, जैसे आप लोग बीच गेंद में करते हो ना कि टर्म को अलग अलग गुना करते हैं, तो यहां पर कर दो 999 × 7+999/1000 × 7, ठीक है, इससे ये गुना हो गया, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया 6993, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6993/1000। यहां पर एक और गेम खेला गया है, अब उसको आपको समझना है। क्या करो कि इसको ना तोड़ते हैं दो भाग में, देखिए कैसे टूटेगा, पहले तो आपका 6993 ये तो वैसे रहा, ये वाला पार्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 6000, ठीक है, 6000+993/1000 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये आपका 6993+6000/1000+993/1000 हो जाएगा, ठीक है, ये आप 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और ये 6 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो गया 6999+993/1000 आ गया उत्तर, बस यही तो है 6999/993/1000, ठीक है, यही आपको ढूंढना है। यहां पर प्रिंटिंग के समय थोड़ी सी मिस्टेक की गई है, आप बुक में देख लेना, ठीक है, यहां पर होना चाहिए था 699 वाला ऑप्शन तो डी है, और यहां पर होना चाहिए था 993, ठीक है, बिल्कुल यही होगा, आप एक बार ऑप्शन मैच कर लेना बुक से, और या फिर जो पीडीएफ मैंने दिया है उससे, क्योंकि टाइपिंग के टाइम हो सकता है इन्होंने मिस्टेक की हो, ठीक है, तो उत्तर यहां पर आपका डी हो जाएगा, 6999 = 993/1000 निकलकर चला आएगा, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन है, ओके। तो यहां पर आपका 23rd का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 110, देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अमंग देम, यदि 3 क्रमगत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो है वह 110 है, तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। यदि माने कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 है, तीसरी संख्या x+2 है, ये क्रमगत 3 संख्या है, इनके वर्गों का योग, तो चलिए पहला का वर्ग x² हो गया, दूसरे का वर्ग करो भैया क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है, प्लस x+2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² + 4b = 110 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही तो कहता है ना प्रश्न, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कर लोगे, चलो अब ये क्वेश्चन मैं आप पे डालता हूं, ये क्वेश्चन तो आप करके दो, ठीक है, तो यह क्वेश्चन मैं आपसे राइज करता हूं, इसको ना बस सॉल्व करना है, आज हमें सॉल्व कर देता हूं, लीजिए 3x²
प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 110। ठीक है, चलिए आधे पे देने का मन नहीं कर रहा क्योंकि फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही देते हो, है ना। तो ये हो गया आपका 3x² प्लस 6x, और यदि हम इसको इस तरफ ले गए या फिर इसको इस तरफ ले आते हैं तो 110 जो कि माइनस का हो जाएगा, माइनस 110 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 6x, और ये आपका हो जाएगा 105। ठीक है, इक्वल्स टू 0 निकल कर चला आया। ठीक है, अब यदि इन सब में से तीन कॉमन कर लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये आपका 35 इक्वल्स टू 0 हो गया। सब में से तीन निकाल दिए, प्रश्न आप सॉल्व कर दो। ठीक है, 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देखना यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। यहां पर तीन कॉमन किए हैं, मैं लिख देता हूं 3 कॉमन। ठीक है, और कॉमन होकर वो दूसरी साइड गया तो 0 हो गया, क्योंकि बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो यहां पर हो गया x प्लस 7। ठीक है, और यहां पर माइनस 5 कॉमन कर दिए तो x प्लस 7। अब आपके पास दो निकल के आ गई, एक तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 7 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये तो चलता नहीं है। अब यहां पर x, हमने यहां पर x निकाला है सॉरी, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5। बिल्कुल सही, उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, आगे बढ़े। चलिए, 25 दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर नंबर इज 37, द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर विल बी, क्या होगा, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 37 है तो उनके संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखिए 37 गुणनफल किसका होता है, ये तो एक अभाज्य संख्या है, किसी से भाग ही नहीं लगता। तो यदि हम 1 × 37 करें तो 37 आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, कह रहा है इनका डिफरेंस कह रहा है, तो 37 माइनस 1 इक्वल्स टू 36 और अंडर रूट 36 कर दो इक्वल्स टू 6 निकल के आ गया। बहुत अच्छा, प्रश्न के अनुसार चले, प्रश्न सॉल्व हो गया, तो 25 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए सारे प्रश्न मैथ के सॉल्व हो गए सेट 4 के, अब अगला सेट 5 आएगा। और वीडियो खत्म करने से पहले आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि किसी बच्चे को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो स्टोर का उपयोग करें, क्योंकि पॉलिसीज चेंज हो रही है गवर्नमेंट्स की, तो आप स्टोर का प्रयोग करें तो बेहतर होगा, या फिर आप टेलीग्राम का उपयोग कर सकते हैं, टेलीग्राम का प्रयोग करें और हमें टेलीग्राम कर सकते हैं 7979946092 पे। ठीक है, व्हाट्सएप ने पॉलिसी चेंज कर दी है तो वहां पर पीडीएफ सेंड करना दिक्कत वाली बात हो गई है, तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।